Hi dear students, I am your Ghulam Sood sir, English teacher. Yesterday I have introduced a lesson that is second portion of your textbook, A Nation's Strength poem. In a beautiful poem, titled A Nation's Strength, Ralph Waldo Emerson reveals the secret of nation's success. उन्होंने पता लगाया कि नेशन की कौम की कामयाबी कहां पर हो सकती है. The success of nation lies with the power of its women and men. उनका दरअसल ये मकसद था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, यही ह्यूमन रिसोर्स एक कौम को कामयाब बना सकती है, न कि इस पोएम में इसका जिक्र किया गया है, न कि ज्वेलरी से, न कि गोल्ड से, न कि सिल्वर से, न कि पैसे से, न कि स्वर्ड से. इसमें यहाँ एक वर्ड आया स्वर्ड, उसका माने इसने क्या बताया है, इसका भी उसने सब कैटेगरी वर्ड्स है कुछ जिनका माने एक है तो दूसरी की तरफ, दूसरे की तरफ इसने अपनी तवज्जा मबजूल कराई है. सो द सक्सेस ऑफ द नेशन लाइज विद द पावर ऑफ इट्स वुमन एंड मैन. जो ह्यूमन रिसोर्स है यही एक कौम को बिल्कुल यूनाइट कर सकती है, यही एक कौम को कामयाब कर सकती है, इसी ह्यूमन रिसोर्स से, न कि जो कि अदर मटेरियल्स है वो नहीं कर सकते हैं. द सक्सेस ऑफ नेशन लाइज विथ मैन पावर, दैट इज जो मैन पावर इसका है वो उसका पीपल, इट्स पीपल लोग, एंड नॉट विथ गोल्ड एंड ज्वेलर्स, न कि सोने और जवाहरात से. हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. किसी कौम की कुव्वत को उसके धन ताकत या दूसरे चीज़ों से, या जो उसकी फ़क्र होता है, इसका जो प्राइड होता है, न कि बल्कि एक हुब्बुल वतनी से एक कौम को मजबूत और यूनाइट बना सकते हैं. व्हाट मेक्स ए नेशन्स पिलर्स हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, what makes its mighty to defy the foes that round its throng. क्या बना देती है किसी कौम को, किसी कौम की बुनियादों को ताकतवर. यहां लिखा है pillars. pillars का मतलब इसने यहां पर एमर्सन ने, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने आइडियल्स और प्रिंसिपल जो उसूल होते हैं एक कौम के, जो उसका डिसिप्लिन होता है, जो उसका रब्त जब्त होता है, उस पर अगर ये स्टैंड फास्ट लगातार मुतवाजिन रहे तो ये एक कौम कामयाब बन सकती है. व्हाट मेक्स इट्स माइटी टू डिफाई द फोज दैट राउंड इट्स थ्रोंग. क्या ये बनाता है ताकत उसको कि ये कर सके मुकाबला उन हालात का जो उसके इर्द गिर्द में रहने खड़े लगाकर बहुत सारे लोग, यहां थ्रोंग है, टुगेदर, एक साथ. इन द नेक्स्ट स्टंजा, इट इज नॉट गोल्ड, इट्स किंगडम ग्रैंड, गो डाउन in battle shock again its shafts are laid on sinking sand not on abiding rocks. Here it is a subcategorical, it is their opposite, sinking sand and abiding rock.
सिंकिंग सैंड होती है धसती रेत, लेकिन जो अबाइडिंग रॉक होती है वो डटे होते हैं। इन्हीं से यही धसती रेत पर रखी उसकी न कि पायदार चट्टानों पर, यही है इन द थर्ड स्टंजा। इट पोजेस अ क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर फिर बता दूंगा कि पहला जो कन्वर्सेशनल टून है, यहाँ दूसरा कन्वर्सेशनल टून है। इट इज कन्वर्सेशनल टून मतलब हो गया कि जब हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो हम सीधा सवाल करते हैं एक दूसरे से, जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं, जब कोई नया बच्चा आता है तो उनसे आप सवाल पूछते हैं कि आपका नाम क्या है या आप कहाँ रहते हो, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्सेशनल टून। जो कन्वर्सेशनल टून है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू होता है। हियर इट इज द स्वर्ड आस्क द रेड डस्ट ऑफ अम्पायर्स पासड अवे, क्या ये तलवार है, ये पूछता है फिर सवाल हमसे, पूछो उन हुकूमतों से जो चुटकी में मिट गए, उन हुकूमतों से पूछो। ऑफ अंपायर्स पासड अवे, जो मिट गए पासड अवे, ऑस द रेड डस्ट द ब्लड हैज टर्नड देयर स्टोन्स टू रस्ट, लहू ने दिया है लगा जंग, लहू का जो ब्लड है जो खून है उस पर एक जंग लग गया है, उसके जो जिसको क्या कहते हैं मिट्टी हम कहते हैं उस पर लग गया है, देयर ग्लोरी टू डिके कर दिया है उसके जलाल को, जो उसका ग्लोरी है, जो इसका ग्लोरी है। यहाँ भी ये एक सब कैटेगरी वर्ड है, इसका अपोजिट भी यही है कि हम इसको जैसे ये कह सकते हैं ग्लोरी और डिके, तो इसके जलाल को इसने जवाल पजीर कर दिया है। हियर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू दिस पिलर्स हियर इट मीन्स दिस आइडियाज प्रिंसिपल्स। एक वर्ड हमने पढ़ा है डिफाई, इसको हम कहते हैं चैलेंज। जो दूसरा वर्ड है थ्रोंग, हम इसको गैदर कहते हैं थ्रोंग। जिस गोल्ड, एक वर्ड हमने इसमें पढ़ा है गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ सोना ही नहीं है बल्कि मनी है, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, ये इसको भी हम कैसे, इसको हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इन शॉफ्ट्स अंडरग्राउंड पैसेजेस अवर सीक्रेट्स, जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, जो एक कौम के सीक्रेट्स होते हैं, वो अंडरग्राउंड पैसेजेस जो विच आर पुट ऑन सिंकिंग सैंड्स और अवॉइडिंग रॉक्स, चाहे वो दस्ती मिट्टी पर रखे होते हैं या उनको डटे हुए चट्टान की तरह उनको रखे होते हैं। स्वर्ड यहाँ तलवार का मतलब नहीं है, रॉफ एमर्सन ने कहा है कि ये स्ट्रेंथ है, स्वर्ड मीन्स स्ट्रेंथ। तो जिसको हम कहते हैं उर्दू में जो टैंक्स जो तोप होते हैं, गोले होते हैं, बारूद होता है, उसको हम रॉफ एमर्सन ने स्वर्ड को इसी के साथ इस तशबीह दी है। एक डस्ट क्या हो गया, डस्ट हो गया ब्लड स्टैंड सॉयल, यानी मिट्टी को जो खून के डब्बे होते हैं स्टैंड सॉयल, डिके हो गए, रॉटिंग जिसको हम सड़ना कहते हैं, ग्लोरी ऑनर वन बाय अचीवमेंट्स, तो पासड अवे डिफीटेड। तो इस जो ये वर्ड्स इसमें होते हैं ये एक सब कैटेगरी वर्ड है। वर्ड तो वर्ड का एक मानी होता है, लेकिन जो रॉफ एमर्सन है उसने उनको दूसरे मानी से ताबीर किया है इस नज़म में। इन दिस स्टंजा लास्ट स्टंजा द पॉइंट अगेन पुट्स अ क्वेश्चन,
फिर ये क्वेश्चन करता है, इज इट द स्वर्ड दैट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, क्या ये तलवार हो सकती है जो एक कौम को मजबूत बना सकती है, क्या ये स्ट्रेंथ है जो एक कौम को ताकतवर बना सकती है, क्या वो ताकत, क्या वो कौम की ऐसी ताकत है जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बना सकती है। हियर द स्वर्ड स्टैंड्स फॉर पावर द पीपल हु आर इकॉनमी, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थ्रेटन्स अदर्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, जिनके पास मईशत अच्छी होती है, जिनके पास इकोनॉमिक इकॉनमी अच्छी होती है, वो दूसरी कौमों को चैलेंज करती है कि आप हमारी तरफ अगर आपने आँख उठा कर देखा तो आपके इसके लिए डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके खराब नतायज होंगे। सो दियर हेयर वी रेड दीज थ्री स्टैंजास ऑफ दिस नेशनल स्ट्रॉन्ग। हेयर वी कंक्लूड्स दिस लेसन। Tomorrow we will meet again. Thank you.